गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के इस अगले वीडियोस में आपका स्वागत है। और जहाँ तक हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि शेयरिंग बाय द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स का शेयरिंग देखा था और 40 इयर्स में क्या चेंज हुआ। तो चेंज में आपने देखा कि टर्शियरी सेक्टर एक लीड रोल में आ गया 40 साल बाद। तो अब कुछ और फैक्ट्स पर देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन या शेयर क्या। तो आज हमने पहला चार्ट बनाया है कि शेयरिंग इन सेक्टर की परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज मतलब उस फिगर्स को हम थोड़ा सा परसेंटेज में करना, ताकि हमें और डिटेल में और क्लियर विजन हो सके कि जीडीपी में सेक्टर्स वाइज किस तरह से कंट्रीब्यूशन बदल रहा है। ठीक है, तो 1971-72 के फाइनेंशियल ईयर और 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने प्राइमरी के लिए ब्लैक इंक को यूज किया है, ब्लू इंक को सेकेंडरी सेक्टर के लिए और टर्शियरी सेक्टर के लिए ग्रीन इंक। देखिए तो अप्रॉक्स 40%+ कंट्रीब्यूशन 1971-72 में प्राइमरी सेक्टर का था। ये आप 40%+ में देख रहे हो कि कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर 1971-72 में, जो कि 2011-12 में अप्रॉक्स 40-50% के आसपास आते थे। मतलब 40%+ से 40%+ मतलब ये घटा, शेयरिंग क्या हुई है, घटी है और एक लार्ज स्केल से। सेकेंडरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बात करें तो 42-65 की अप्रोक्स 20% के आसपास की कंट्रीब्यूशन, और यहां पर 50% to 40% के आसपास, मतलब 25 के आसपास, मतलब ये ग्रोथ किया। ठीक है, पहले 20% था, अब 25% के आसपास है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ग्रोथ किया। टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो ये इजीली विजुअल है कि पहले कंट्रीब्यूशन लगभग 35% के आसपास था और अब कंट्रीब्यूशन 60% के अप्रॉक्स हो चुका। ठीक है, सेक्टर वाइज देखें तो प्राइमरी सेक्टर क्या हुआ है कि कंट्रीब्यूशन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन में घट गया है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ने धीरे धीरे अपना जगह बनाया और ज्यादा। ठीक है, तो ये सेक्टर क्यों हुआ, तो वो डेवलपमेंट का चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि ये परसेंटेज वाइज ग्रोथ तो हर सेक्टर में हुआ। ठीक है, लेकिन परसेंटेज वाइज क्यों टर्शियरी सेक्टर लीड किया वो हमने लास्ट वीडियो में पॉइंट पर डिस्कस। अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इस चेंज, ये भी जो चेंज हमें परसेंटेज वाइज मिला है जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, इम्प्लॉयमेंट पर, मतलब हमारे जो मेन चीज होती है कि किसी भी देश के जो जनता है वो रोजगार पा सके, इम्प्लॉयड हो, उस पर किस तरह से कंट्रीब्यूट। तो हम इस जीडीपी परसेंटेज शेयरिंग को एम्प्लॉयमेंट शेयरिंग परसेंटेज में चेक करें। 1971 में जब हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर जो हमारा था उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा थी, तब हमारे एम्प्लॉय की संख्या भी सबसे ज्यादा 74% एम्प्लॉय केवल एग्रीकल्चर में थी। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय थे हमारे टर्शियरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, मतलब जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि 74% एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में, 11% सेकेंडरी सेक्टर और 15% थी जो टर्शियरी सेक्टर। लेकिन जो चेंज हुआ विगत 40 सालों में 1971 से 2011-12 में, वो चेंज कुछ ऐसा था कि 74% जो इंप्लॉयज को रखता था प्राइमरी सेक्टर अब हो गया 49, मतलब घट गया। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर 11% से पहुंचा 24% और टर्शियरी सेक्टर 15 से 26, पर जो ट्रेंड यहां पर दिखा वो ट्रेंड तो यहां दिखा, लेकिन एक बात जो समस्या वाली बात है, समस्या ये है कि यहां की ट्रेंडिंग में लगभग बहुत बड़ा शार्प चेंज था। शार्प चेंज ये कि 40% से ये 14% के आसपास हो, लेकिन यहां पर उस तरह का ट्रेंड नहीं मिला जो एग्जैक्टली हमें परसेंटेज कंट्रीब्यूशन में मिला। अब परसेंटेज कंट्रीब्यूशन में मिलने वाले ट्रेंड्स इससे क्यों मैच नहीं किए, तो उसके पीछे की वजह पर हम लोग चर्चा। ठीक है, तो चर्चा ये है कि प्राइमरी सेक्टर के जो भी इंप्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड हो सकते हैं और किसी को भी आप रोजगार पर ला सकते, लेकिन टर्शियरी सेक्टर जो इतना बड़ा एरिया बनके तैयार हुआ उसके इंप्लॉयज की एक खासियत है कि वो स्किल्ड इंप्लॉयज होने, एजुकेटेड इंप्लॉयज होने चाहिए, ट्रेंड इंप्लॉयज होने चाहिए,
जिसकी संख्या समय के साथ कम मिली, और इसीलिए इंक्रीमेंट तो हुआ पर उस रेट से नहीं इंक्रीमेंट हुआ जिस रेट से हमें परसेंटेज जीडीपी कंट्रीब्यूशन। अब इसका नुकसान क्या होता है कि अगर इस रेट से ना हो तो टर्शियरी सेक्टर स्पेशल स्किल की क्वालिटी की एजुकेशन बैकग्राउंड की डिमांड करता है जो कि प्राइमरी सेक्टर नहीं करता, और इसीलिए आप देखोगे कि घर गृहस्थी में कोई भी बंदा जो एग्रीकल्चर फील्ड से ना भी जुड़ा हो वो क्या कर सकता है कि आप उसे खेती में लगा सकते, पढ़ा लिखा ना भी हो आप इसे एग्रीकल्चर में डाल सकते हैं और वो वहां पर किसी तरह से अडॉप्ट। और सिचुएशन ये हुआ है कि इस कारण से चूंकि स्किल्ड पर्सन या एजुकेशन की कमी है, इस कारण से हमारा प्राइमरी सेक्टर अंडर एम्प्लॉयमेंट में चल रहा है, जिसको बोलते हैं डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट या डिस्कस्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो समझा जाए कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो समझो समझो कि किसी एक लैंड को आपको फार्मिंग करनी है, आप वहां पर खेती कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें दो लेबर की जरूरत है, ठीक है, दो मजदूरों की जरूरत है जिससे लैंड में फार्मिंग हो सके। लेकिन चूंकि आपके फैमिली में सबके पास रोजगार नहीं है तो घर के 5 मेंबर्स इसे साथ मिलकर के फार्मिंग करते, लेकिन फार्मिंग के पीछे की वजह है कि फार्मिंग इज टोटली डिपेंड्स ऑन रेन वेदर एंड द फोरकास्ट, ठीक है, या फिर सीड्स बोल सकते हैं या फिर प्लांटेशन बोल सकते हैं, कल्टीवेशन टेक्निक्स बोल सकते हैं। मतलब फार्मिंग के लिए आप इस लैंड पर दो लेबर्स इनफ थे, लेकिन चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपने क्या किया कि परिवार के सारे सदस्यों को मिला लिया और सबने मिलकर के फार्मिंग शुरू। अब अगर फार्मिंग इस तरह से शुरू किया गया तो यहां पर नुकसान क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ कि हर बंदा जो अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम कर सकता था वो पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर रहा, मतलब एक बंदा जो काम कर सकता है 8 घंटे 10 घंटे, हो सकती है कि 5 बंदे आने के बाद अब उसे 4 घंटे का ही रोजगार, ठीक है, और वहां पर जरूरत से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो। अब अगर ऐसा सिचुएशन कहीं भी आता है जरूरत से ज्यादा लोग हो और सब काम में तो व्यस्त है लेकिन हर कोई अपनी काबिलियत और क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर रहा, तो इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। जहां एम्प्लॉयमेंट तो है, रोजगार तो है, लेकिन उसके पोटेंशियल कैपेसिटी के बराबर का रोजगार नहीं है, जिसको आप डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है समझिए, प्राइमरी सेक्टर में अनस्किल्ड अनएजुकेटेड पर्सन की चूंकि इन्वॉल्वमेंट भी अलाउड है, ठीक है, तो लोगों को जो रोजगार नहीं मिल पाता, स्किल्ड नहीं हो पाते, वो क्या करते हैं प्राइमरी सेक्टर में स्लगिस को या फिर ज्यादातर भीड़ को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, जहां पर 2 लोगों की काम है वहां पर 10 लोग 15 लोग भी अवेलेबल हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है सोसाइटीज में अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बन रही है। क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो पोटेंशियल के अनुरूप काम न मिले, आप क्षमतावान हैं, आप 10 घंटे काम कर सकते हैं, 8 घंटे काम कर सकते हैं, बट आपको केवल 1 घंटे का रोजगार मिल रहा है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एम्प्लॉयमेंट टेक्निक्स कैसे इंप्रूव करेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के भारत में कारण क्या है उसको डिस्कस, ठीक है। फिलहाल हम कंपैरिजन को स्केल को हमने देखा है, जहां पर स्केल किस तरह से बता रहा है कि हमारे चेंजेस क्या हुए जीडीपी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आई एम